एक एक गल मैं कहना चाहांगा, शिवसेना पंजाब ने जिहड़ा अंदोलन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बिजली के बिलों नूं लैके जिहड़ा शुरू किया, अज उहदा दूजा पहर असीं उहनां लोकां दे घरां दे घर बाहर दस्तक देण जा रहे हां जिहड़े लोकां ने वोटां दी राजनीति कीती है, जां 2017 दे चुनाव वल्ले घर घर जाके वोटां मंगण वल्ले एक वादा किया लोकां दे नाल वी असीं तुहाडे सुख दुख दे साथी हां। 24 घंटे अगर जदों तुसीं सानूं आवाज़ मारूंगे मैं तुहाडे नाल खड़ा। अज असीं माननीय सुरिंदर डाबर जी दे घरे उहनां नूं वादा याद कराउण आए हां वी जदों तुसीं 2017 दे चुनाव होए तुसीं वोटां दी गल वल्ले तुसीं सानूं वादा किया सीगा भी मैं तुहाडे नाल 24 घंटे खड़ा, मैं तुहाडे सुख दुख दा साथी हाँ। असी अज क्या भी तुहाडे सेंट्रल दे लोग भी साडे नाल आए ने, वो बड़े तकलीफ च ने, वो दुख की घड़ी च ने, क्योंकि कोरोना वायरस तो बाद उन्होंने जिहड़ा वायरस तंग कर रहा, स्कूलों फीसां दा वायरस तंग कर रहा, बिजली दे बिलों का वायरस तंग कर रहा, तुसीं सानूं इहतों निजात दिलाओ। देखो डाबर साहब ने असी जिहड़ा साडा आंदा मकसद सी, असी तुसीं सरकार दे विच्चों सत्ता पक्ष दे विच तुसीं बैठे हो भी तुसी मंत्री साहब नाल गल करो, मुख्यमंत्री जी नाल गल करो, वो कहिंदे तुहाडी आवाज़ मैं मुख्यमंत्री तक पहुँचा देंगा, शिक्षा मंत्री तक पहुँचा देंगा, पर असी एक गल की साड़ी दुख की घड़ी दे विच तुसी जिहड़ा वादा किया सी अगर सरकार नहीं मंदी तुसी इस अंदोलन च साडे ते रोड ते उतर के भाग लोगे। असी भी एक गल की है अगर तुहाडी सरकार तुहाडी सुनवाई नहीं करती क्या तुसी इस सड़क ते उतर के रोड से उतर के इस मसले को हल कराऊंगे, साडा भी एक सवाल उन्होंने पूछो जवाब। असी एक एक सवाल किया अगर तुहाडी सरकार तुहाडी नहीं सुनती इस मसले, तुहाडी क्षेत्र की जनता का समस्या का हल नहीं कराती क्या तुसी अपनी सरकार के खिलाफ अंदोलन छेड़ोगे। देखो फिर मैं गल कर रहा, असी विपक्ष के लीडर का भी घर घेरन जा रहे हैं, असी घर घर दे रहे, असी स्कूलों के घर स्कूल भी घेरेंगे। थोड़े दिनों की गल देख लियो, मैं फिर एक गल तुहाडे माध्यम से सारे ही जिन्हें भी साडे लुधियाने के लोग ने वो माँ बाप नूं गल मैं कहना चाहवागा, उन्हां लोगों नूं कहना चाहवागा जिहड़े लोग बिजली के बिलों तो परेशान ने, स्कूलों की फीसा तो परेशान ने, भी असी लॉकडाउन बंद दौरान असी फीसा क्यों दईए। मेरी फैक्ट्री बंद है, मैनू कमाई नहीं, मैं पैसा घर कितना लैके चल जा। मेरी दुकान बंद है, मैनू कमाई नहीं, मैं पैसा घर लैके कितना चल जा। स्कूल बंद ने, स्कूल बंद ने, फिर भी कमाई भालदे ने। दो दो कानून साडे पंजाब विच चलणगे, मुख्यमंत्री जी आदेश दिंदे ने भी करोना आ गया फैक्ट्रियां बंद कर दिओ भाई, घरे बैठो अपने घरों खाओ। मुख्यमंत्री आदेश दिंदे ने करोना आ गया अपनी दुकानां बंद कर दिओ, अपने घरे बह के रोटी खाओ। स्कूलों की कमाई बारे क्यों सोच रहे ने, ऐसा देश क्यों परद कर रहे ने भी स्कूलों नूं बंद, स्कूलों नूं फीस दईए। एक बड़ा वड्डा राज है, बंद स्कूलों नूं असीं फीस क्यों दईए, स्कूल बंद ने फिर असीं पैसा क्यों दईए। मेरी दुकान बंद कराई, मेरी फैक्ट्री बंद कराई, क्या मैनूं सरकार ने पैसा दिता, या तां मैनूं भी पैकेज दे दे, दवे ना जनता नूं पैकेज वी असीं तुहाडियां फैक्ट्रियां बंद कराइयां, दुकानां बंद कराइयां, सानूं भी पैकेज दे दिओ, ब्याह फड़ो पैकेज। जिहड़ा स्कूलों नूं फीसा भी दवाईयां जा रही है वह कद नहीं दवाई जा रही है, की रिश्तेदारी है, की साठगांठ है इन्हां दी प्राइवेट स्कूलों के नाल। आज बहुत सारे इन्होंने नेता वर्कर अज मेरे ग्रहनिवास विखे अज आए थे, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो एजुकेशन का मुद्दा है, स्कूलों का मुद्दा वो मेरे सामने रखा है। जदों लॉकडाउन रहा 2 महीने उस दौरान बच्चे स्कूलों में नहीं गए, उन्होंने जी फीस है वो नहीं दिती जानी चाहिए, ये मुद्दा बिल्कुल वाजब है। जब स्कूलों के बच्चे गए ही नहीं, उन्होंने एजुकेशन लिती ही नहीं, तो उन्होंने फीसा नहीं लिती जानी चाहिए। साडे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी पहला कहा सी, पता नहीं हुण एकदम उन्होंने क्यों अपने आप चेंज लिया है। मैं इस संबंध में बड़ी जल्दी मुख्यमंत्री साहब नूं मेमोरेंडम भी पहुँचाऊँगा, एजुकेशन मिनिस्टर नाल भी गल करांगा कि जिहड़ी है फीस है 2 महीने की, जिहड़े मीडियम वर्ग के लोग है, गरीब वर्ग के लोग है, जिहड़े हैंड टू माउथ है, ताज़ा कमाते, दो ढाई ढाई महीने वो कमां ते नहीं गए, रुजगार नहीं कर सके, तो उन्होंने जिहड़ा फीस का बोझ है ये नहीं पाया जाना चाहिए। ये आवाज़ मैं जरूर उठाऊँगा। और जब तक बिजली का मुद्दा कि लुधियाना इंडस्ट्रियल टाउन है, पंजाब बहुत सारी इंडस्ट्री है, उसनों मद्देनज़र रखते हुए
जी बिजली है 5 रुपए यूनिट होनी चाहिए। साडा मैनू फर्स्ट होता है पार्ट भी सी कि असं इंडस्ट्रीज में बिजली 5 रुपए यूनिट देंगे। कुछ ऐसे फैसले अकाली दल के राज होए इस करके बिजली सरकार को महंगी देनी पई है और बड़ी जल्दी ये भी मैं सी पहला भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की उन्हां दी जानकारी विच लैंदी है गल उन्होंने गल दसी है कि जिहड़ा इंडस्ट्रीस्ट है वह बिजली 5 रुपए यूनिट ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ और बचा के जाके एजुकेशन मिनिस्टर मुख्य मंत्री साहब नाल गल करांगा वी जिहड़े 2 महीने पहला जिहड़े एजुकेशन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दित्ती सी फीस नहीं दित्ती जाएगी तो हुण एकदम यह फैसला क्यों बदलिया इहदे ते बारे सारी जानकारी लेके उहनां नूं दस्सांगा। इहनां दा प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज़ आ इहनां दा प्रोटेस्ट यह नहीं कि मैं वेचणा दे नाल धरने विच बैठ के प्रोटेस्ट कर सकदा मैं आवाज़ अखबारों भी कहांगा डिमांड जायज़ है तो इन्हों का पक्ष ही पूरा जाऊगा। तो डॉक्टर साहब दूजे पास देखिए जो किसानों के जो बिजली के बिल है वो कैप्टन सरकार ने कहा भी लागू करांगे। देखो ये बारे में मैंने हाले कोई जानकारी नहीं ठीक है कि नहीं ये बारे वो दस सकते हैं। मैं तो बिजली ये जानो इंडस्ट्रीज को बिजली 5 रुपए मिलनी चाहिए चाहे किसानों के बिल लाण या ना लाण ये उन्हों का प्रोटोकॉल है उन्हों का आधार अधिकार किसी तरह का वो फैसला लेंगे पर जी बिजली 5 रुपए यूनिट किसानों इन्हों मिलनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ मैं वो जरूर हक चाह भी इंडस्ट्रियल टाउन है जो इंडस्ट्री बर्बादी तो असी बचाना है तो इस करके बिजली 5 रुपए यूनिट जी बनती है इंडस्ट्री देनी बनती है ये भी आवाज़ मैं अगर उठाऊंगा। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.